नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। मौसम का एक चक्र होता है जिसके अनुसार ठंड के मौसम के बाद बसंत ऋतु आती है और उसके बाद आता है गर्मी का मौसम। ठंड गई लेकिन सीधे गर्मी का मौसम आ गया, एक मौसम गुमशुदा हो गया। इस साल अगर आपको ज्यादा गर्मी लग रही है तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है, गर्मी समय से पहले पहुंची और उसके बाद 100-100 साल के रिकॉर्ड को ध्वस्त करती हुई चली गई। आज श्वेत पत्र में हम आपको बताएंगे कि अगर मौसम का ये नया चक्र दिख रहा है, अगर तापमान के ये नए कीर्तिमान दिख रहे हैं तो आखिर क्यों। ऐसा लग रहा है कि आसमान से आग बरस रही है। गर्मी से हालत खराब है, बहुत परेशान है, जीना मुश्किल हो रहा है। बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब घरों से निकला नहीं जा रहा है अभी तक। इस बार पिछले काफी सालों का रिकॉर्ड तोड़ रही है, इस साल गर्मी बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। सड़क पे और गाड़ी पे रखा तो 2-3 मिनट में पापड़ एकदम खरखरा हो गया और पापड़ सिक गया है। चिलचिलाती धूप ने गर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उम्मीद नहीं थी कि शुरुआती दौर पे इस तरीके से इतना बर्दाश्त करना पड़ेगा। गर्मी तो बहुत लगती है, क्या करूं, मजबूरी में रहना पड़ता है। लू के थपेड़ों ने घरों से बाहर निकलना मुहाल कर दिया। सहारा छतरी बैठे रहते हैं। बार पिछले काफी सालों का रिकॉर्ड तोड़ रही है, इस साल गर्मी बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। गर्मी ऐसी कि बसंत की बहार ही नदारद है। इस टाइम से बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि आसमान से आग बरस रही है। बहुत डिफिकल्ट है सरवाइव करना, ऊपर से लाइट इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। टू मच। तपिश ऐसी कि एक महीने में 17.5 लाख एसी बिक गए। इतनी गर्मी पड़ती है जिसमें कोई हद नहीं है, जीना मुश्किल हो रहा है। गर्मी से हालत खराब है, बहुत परेशान है, बीमारी चल रही हुई थी, बस हॉस्पिटल में बेडों पे जगह नहीं मिल रही है। पसीना सूखने का नाम नहीं लेता। सुबह 9 बजे ऑफिस निकलूँ तो हमें अपना टॉवेल और बांध के जाना पड़ता है, मुंह से पानी की बोतल रख के जाना पड़ता है। सुबह से इतनी गर्मी रहती है, दोपहर तक बहुत बेकार हालत हो जाती है। राहत वाली हवा में भी गर्मी की चुभन। आंधी या रेन भी हो सकता है। रिमझिम बारिश से थोड़ा सुकून कहाँ काफी है। देश में हीट वेव की ये केवल झांकी। इस बार की गर्मी काफी ज्यादा पड़ रही है और जिस तरह से यह गर्मी पड़ रही है तो कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि मई और जून में इसके आसार काफी बढ़े। बहुत ज्यादा मैं असर पड़ा, गर्मी बाहर निकल नहीं पाते। बहुत गर्मी होती है, गर्मी की तो शुरुआत हुई है, अभी तो पूरा मई जून बाकी है। बट हाँ, कटआउट बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। मिड टाइम में ही कटआउट हो जाता है, ऑफिसेस में भी बहुत लोड ले रहा है क्योंकि सभी जगह आजकल एसी है, बहुत सारी चीजें हैं। पिछले दिनों देश के अलग अलग हिस्सों में हुई थोड़ी सी बरसात ने गर्मी की तपिश को भी थोड़ा सा कम किया, लेकिन अभी पूरा मई जून का महीना बाकी है। अभी से ही गर्मी का आलम यह है, मानो सूर्य देव स्वयं धरती पर उतर आए। श्वेत पत्र में हम आज भीषण गर्मी से जुड़े कई सवालों के जवाब तलाशेंगे। आखिर क्यों गर्मी शुरू होते ही पारा नई ऊंचाइयों को छू रहा है? 122 सालों में क्यों मार्च का महीना सबसे गर्म रहा? इस बार हीट वेव कब तक रहेगी और कितना सितम ढाएगी? तापमान में इतने बदलाव देखने को क्यों मिल रहे हैं?
मौसम का मिजाज एकदम क्यों बदल रहा है? इस बार की जो गर्मी है वो भी बहुत ज्यादा अगर आपको चुभ रही है वो इसलिए क्योंकि कुछ समय पहले ये गर्मी आ गई, और दूसरी बात यह है कि 122 साल का रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया दिन में। एक्चुअली मैं तो मॉर्निंग हम लोग का होता है, हम लोग 8 बजे निकल लेते हैं तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ऑफिस में ही रहते हैं, बट हाँ कटआउट बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, मिड टाइम में ही कटआउट हो जाता है, ऑफिस में भी बहुत लोड ले रहा है क्योंकि सभी जगह आजकल एसी है, बहुत सारी चीजें हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के अनुसार 2022 का मार्च पिछले 122 सालों में सबसे ज्यादा गर्म रहा। मार्च 2022 में दर्ज किया गया देश का औसत तापमान 33.10 डिग्री रहा, जो पिछले 122 सालों में सबसे अधिक है। इससे पहले 1901 का मार्च ही इससे ज्यादा गर्म था। मार्च 2012 में तापमान 33.09 तक गया था, लेकिन इस बार का मार्च उससे भी ज्यादा गर्म निकला। सीएसई के अनुसार 11 मार्च से ही पूरे देश में हीट वेव की शुरुआत हो गई थी। इसने देश में कम से कम 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रभावित किया। विंड क्लॉकवाइज रोटेट करता है, और जैसे हम कोई स्क्रू को टाइट करना चाहते हैं तो हम स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाते हैं और स्क्रू डाउनवर्ड जाता है, ऐसे ही ये जो हाई प्रेशर सेल के साथ जो एयर मोशन होता है वो डाउनवर्ड मोशन हो जाता है, और जब एयर डाउनवर्ड मूवमेंट होता है तब एयर में टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये प्रमुख कारण था जिसकी वजह से पहले राजस्थान और एडजनिंग सौराष्ट्र कच्छ एरिया में टेम्परेचर बढ़ा और हीट वेव कंडीशन देखने को मिला, और यहाँ से फिर ये एडवेक्शन हुआ, हीट ट्रांसफर हुआ टुवर्ड्स सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री और टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट इंडिया। मार्च का टॉर्चर हर जगह एक सा रहा, मैदानी इलाके हो या पहाड़ी इलाके, हर जगह गर्मी का प्रकोप जारी रहा। राजस्थान और मध्य प्रदेश को सबसे अधिक मार्च के 25 दिनों तक लू और भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। गर्मी के मामले में पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश लिस्ट में तीसरे स्थान पर रहा, जहां 21 दिन तक लगातार लोगों को लू के थपेड़ों का सामना करना पड़ा। इसी के साथ गुजरात 19 दिन और जम्मू और कश्मीर को 16 दिनों तक इस साल मार्च के महीने में ही हीट वेव से जूझना पड़ा। गुजरात में मार्च का औसत तापमान था 40 डिग्री सेल्सियस, तो जम्मू कश्मीर में मार्च का औसत तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। अप्रैल में भी गर्मी ने अपना प्रकोप जारी रखा, अप्रैल में देश का अधिकतम तापमान 45 डिग्री तक पहुंचा। इस साल की गर्मी तो पिछले साल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है। हालांकि औरंगाबाद ऐसा इलाका है जहाँ गर्मी कभी महसूस नहीं की जा सकती थी। प्रायः देखा जाता है कि अप्रैल के माह में इतनी गर्मी नहीं हुआ करती थी, लेकिन इस ईयर ऐसा फील हुआ कि गर्मी है, तो अर्लियर गर्मी आ गया है। अभी जो स्थिति है इसके अनुसार तो लग रहा है कि रेशियो काफ़ी ऊपर जाएगा, वो 46-47 पार कर जाएगा हमको लगता है। इस बार का टेम्परेचर जो है ना, हमको लगता है कि 46-47 पार कर जाएगा, रचेगा संभावना लग रही है। लमसम अभी तो मैं जो 45 है, पर हालत तो इतनी ख़राब है कि देख लो आप नज़ारा, आप देख ही रहे हो कि आप देखो आप क्या सिचुएशन है यहाँ की। बहुत फर्क पड़ रहा है, पक्षी दुख पा रहे हैं, जानवर दुख पा रहे हैं, ना पीने के लिए पानी है, बिजली इतनी कटौती हो रही है जिसकी कोई हद नहीं है, कोई भी इस तरीके से कुछ नहीं है। 45 डिग्री में इंसान घर से बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती है, ये कंडीशन आ रखी है सर। मौसम का एक मिजाज होता है, हर शहर में हर राज्य में अलग अलग मौसम हम देखते हैं। कोई राज्य होता है जहां बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, लेकिन हाल के समय में हमने देखा है कि किस तरीके से मौसम अपने किरदार को छोड़कर अलग अलग जगह में अलग अलग रूप दिखा रहा है। अब गर्मी के लिए तो राजस्थान और मरुभूमि फेमस रही है, लेकिन अगर पहाड़ी राज्य सूची में आ जाए तब क्या, तब होती है चिंता की बात। न बसंत की बहार आई, न राहत की हवा का कोई झोंका, सुबह होते ही सूरज की पहली किरण के साथ गर्मी अपने फॉर्म में होती है। दिन हो या रात हो, गर्मी का जोश हाई ही रहता है। गर्मी के साथ चल रहे इस डे नाइट मुकाबले में पसीना सूखता नहीं, प्यास बुझती नहीं। अभी तो हम लोग की मजबूरी है जॉब करना,
अब इसमें हम लोग हाइड्रेटेड रहने के लिए कुछ ना कुछ तो सोर्स लेना पड़ेगा। पर तो कोई नहीं आता है, बहुत कम आ रहे लोग, चिन्हित लोग आते हैं, बाकी कस्टमर फैमिली वाले कोई नहीं आते हैं। राजधानी दिल्ली के लिए 72 साल में यह दूसरा मौका था जब अप्रैल इतना गर्म रहा। मौसम विभाग के अनुसार इस साल दिल्ली में अप्रैल का औसत अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अप्रैल 2021 में दिल्ली का तापमान 37.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, 2020 में 37.3 डिग्री और 2019 में 35.3 डिग्री तापमान दर्ज हुआ था। 2010 में दिल्ली का अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। 29 अप्रैल 1941 में दिल्ली में इस महीने का सर्वाधिक तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। सिमिलर अप्रैल का डाटा आप देखें कि पूरी कंट्री का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 1901 से 2022 तक जो आंकड़ा है इसमें देखें तो ये थर्ड हाईएस्ट रहा है। इसका ये दोनों महीने में जो दिखाएगा, पहला वजह तो यही रहा कि जो हाई प्रेशर सेल का मैं एक्सप्लेन किया, दूसरा वजह ये रहा कि कोई एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ ऐसे देखने को नहीं मिला दोनों महीना में, सिर्फ एक जो आया था द मिडल ऑफ अप्रैल। जब ये एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है वो कोल्ड एयर ले आता है, इसके साथ साथ थंडरस्टॉर्म हो जाता है, सो टेम्परेचर थंडरस्टॉर्म की वजह से 3-4 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है। मई के महीने में दिल्ली के कई हिस्सों में भीषण लू को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शुरुआती गर्मी का अंदाजा इस बात से लगाएं कि अप्रैल 2022 में ही भारत में 17.5 लाख एयर कंडीशनर्स की बिक्री हुई। ये संख्या अप्रैल 2021 की तुलना में दोगुनी है। माना यह जा रहा है कि साल के अंत तक यह आंकड़ा 90 लाख तक जा सकता है। वैसे तो हर साल ही गर्मी, जब ठंडी के बाद गर्मी आती है तो गर्मी लगती है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है क्योंकि मौसम एकदम अचानक से चेंज हो गया है। और जहाँ तक मुझे याद है तो बर्फ भी इस बार कुछ ज़्यादा ही, ग्लेशियर से काफ़ी पिघल भी रहे हैं, तो उस वजह से और ही ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। तो इसमें इसलिए और पॉल्यूशन की वजह से तो और ही ज़्यादा है, व्हीकल्स की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और दूसरा तो यही है कि पेड़ लगाइए, पानी बचाइए, वरना हालत बहुत इससे भी बहुत ख़राब हो सकती है आगे। वैसे जानकारों की माने तो दिल्ली में गर्मी का यह मौसम एक अजीब सी लुका छिपी का खेल खेल रहा है। दिल्ली के कुछ इलाके भयानक गर्मी का शिकार हैं, वहीं दूसरे इलाके उनके मुकाबले कुछ ठंडे। 30 अप्रैल को दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर वाला इलाका गर्मी का हॉटस्पॉट रहा, जबकि वहां से कुछ ही किलोमीटर दूर स्थित मयूर विहार हीट वेव के दौरान सबसे ठंडा रहा। पर्यावरण के जानकार इसे हीट आइलैंड इफेक्ट बताते हैं। ये बताइए कि एक ही शहर में इतना टेम्परेचर डिफरेंस, ये क्या फिनोमेना है, क्या आपने कुछ स्टडी की है? नहीं, देखिए जो शहरी इलाका है उसका जो हम लोग बोलते हैं लैंड यूज लैंड कवर जो है, मतलब जैसे कोई कंक्रीट स्ट्रक्चर है और कितना एरिया कंक्रीट है, कितना एरिया ग्रीन है, तो आप जहाँ पर रहे वर्ल्ड में माना जाता है ग्रीन एरिया में। अगर सफदरजंग देखेंगे तो दिल्ली से सबसे कम तापमान है, लोधी रोड सबसे कम तापमान है, क्योंकि एक्चुअल आपको पेड़ दिखाई देता है, नहीं देखते जब लोधी गार्डन में जाते कितना डेंस फॉरेस्ट है। महाराष्ट्र में भी इस बार गर्मी अपने चरम पर है, पूरा प्रदेश भयानक हीट वेव का सामना कर रहा है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में पारा 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। महाराष्ट्र में लू की वजह से 25 लोगों की मौत हो गई। गर्मी की शुरुआत से ही पूरे प्रदेश से हीट स्ट्रोक के लगभग 375 मामले सामने आए। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 100 सालों में महाराष्ट्र का तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा है। उसके बाद अप्रैल महीने में भी ये रिकॉर्ड टूटा है 100 साल पहले का, और ये मई आगे में भी हो सकता है कि ये रिकॉर्ड टूटे। इसका कारण ये है कि पिछले 50 साल से हमारे यहाँ इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है। हर जगह पर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बारिश अभी कैसे पानी भी नहीं आ रहा है हमारे इधर, तो मतलब पानी का भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सिविल लाइन में, और धूप बहुत ज़्यादा है।
महाराष्ट्र का हिल स्टेशन कहे जाने वाला महाबलेश्वर भी हीट वेव की चपेट में है। मई की शुरुआत में ही यहां 31 डिग्री सेल्सियस तापमान देखने को मिला। महाबलेश्वर के साथ ही पंचगनी में भी पारा 32 डिग्री पर रहा। मारवाड़ा और विदर्भ इलाकों में टेम्परेचर 40 से 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। महाराष्ट्र में हीट वेव से हुई 25 मौतों में से 15 विदर्भ से हैं, 11 नागपुर, 3 अकोला और 1 अमरावती से। हालांकि आईएमडी का कहना है कि अगले कुछ दिनों में राज्य को भयंकर गर्मी से छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि राज्य के कई इलाकों में प्री मॉनसून बरसात की संभावना है। जो काम रहते हैं वो काम तो ऐसा हो गया कि सुबह निकलो 7 बजे काम निपटाओ, फिर शाम को निकलो, दोपहर में तो निकलना मुश्किल है। जरूरत थी काम की, जरूरत पड़ गई करके निकलना पड़ा, वरना निकलते नहीं। बहुत गर्मी परेशान रहते, पसीना आया था, गर्मी परेशान, प्यास लगती बार बार, बहुत तकलीफ है गर्मी। हीट वेव ने बिहार को भी बेहाल किया है। बिहार के नवादा में भीषण गर्मी से 3 दिनों में 4 मौतें दर्ज की गई हैं, जिनमें 2 बच्चे शामिल हैं। पहले गर्मी से बचने के लिए लोग हिल स्टेशन पर जाया करते थे, और अब गर्मी खुद हिल स्टेशन पर पहुंच गई है। हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या जम्मू और कश्मीर, हर जगह का तापमान एकदम हाई है। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में गर्मी ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाकी देश की तरह यहां भी अप्रैल के महीने में ही अधिकतम तापमान सामान्य से 5.4 डिग्री ऊपर 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नहीं, एकदम नया नहीं है। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि इस बार जो पहाड़ों में जो हीट वेव का जो स्पेल है, ड्यूरेशन है, जैसे पहले के सालों में देखते थे कि अप्रैल या मई के स्टार्टिंग में 2 या 3 दिन महीने में हीट वेव मिलती थी, परंतु इस बार देखा गया कि जो हीट वेव का स्पेल है खास तौर से हिमाचल प्रदेश में काफ़ी देखा गया है, साथ साथ J&K और उत्तराखंड में भी हीट वेव रही है, परंतु जो उसका हीट वेव और प्लेन्स का जो हीट वेव है उनके लिए थोड़ा क्राइटेरिया अलग अलग होता है। तो वहाँ अगर 30 टेम्परेचर है और उसमें डिपार्चर 4.5 का है तो उस कैटेगरी में हीट वेव हो जाता है, जबकि वही प्लेन्स में अगर 40 डिग्री टेम्परेचर रिपोर्ट हो रहा और उसका डिपार्चर 4.5 से ज़्यादा है तब हीट वेव की कैटेगरी में आता है। तो ये आपकी बात सही है कि इस बार जो पहाड़ों में हीट वेव कुछ ज्यादा समय रिपोर्ट की गई है। आमतौर पर जम्मू कश्मीर में इस तरह की तपिश नहीं होती गर्मी के मौसम में भी, लेकिन इस बार क्या पहाड़ी क्या मैदानी इलाके, गर्मी के हाई टेम्पो ने देश को एक सूत्र में बांध दिया है। एक तो लोग परेशान, ऊपर से कई इलाकों में बिजली की कटौती की समस्या। हीट वेव क्या होती है, कैसे तय किया जाता है उसे, अलग अलग इलाकों में अलग अलग देशों में अलग अलग मानक होते हैं इसके। भारत में कई ऐसे बिंदु हैं जिसके आधार पर यह तय किया जाता है कि किसी क्षेत्र में अब हीट वेव है या नहीं, वो गर्मी की चपेट में उस हिसाब से आ चुका है या नहीं। तो जो प्लेन इलाके होते हैं, जो समतल इलाके होते हैं, वहां पर अगर 40 डिग्री को पार कर जाए तापमान, जो कोस्टल इलाके होते हैं यानी समुद्र से लगे हुए जो इलाके हैं वहां पर अगर 37 डिग्री को पार कर जाए तापमान, और अगर पहाड़ी इलाकों में 30 डिग्री को पार कर जाए ये तापमान, अब इसके अलावा भी और चीजें होती हैं, जैसे अगर सामान्य तौर पर किसी इलाके का एक तापमान रहता है उससे 4.5 डिग्री अधिक हो जाए तो वहां पर हीट वेव घोषित कर दी जाती है, और भारत के नियमों के अनुसार सामान्य से अगर 6.2 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाए तो वहां पर सीवियर हीट वेव यानी भीषण हीट वेव घोषित कर दिया जाता है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़ कोर हीट वेव जोन में आते हैं, यानी ये वो इलाके हैं जो गर्मी के मौसम में लू की चपेट में आते हैं। मौसम विभाग का मानना है कि इस भीषण गर्मी और भयंकर हीट वेव के पीछे एंटी साइक्लोन जिम्मेदार है। एंटी साइक्लोन वो स्थिति होती है जब सतह पर हवा का दबाव बहुत अधिक हो जाता है, जिससे ऊपर की हवा नीचे आ जाती है, क्योंकि ये हवा ऊपर से नीचे की ओर आती है, नीचे आने के बाद ये हवा गर्म हो जाती है और इन्हीं गर्म हवाओं से हीट वेव यानी लू की स्थिति पैदा होती है। विश्व बैंक के अनुसार पिछले 100 वर्षों में भारत का औसत वार्षिक तापमान 0.62 डिग्री सेल्सियस की दर से बढ़ा है।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में पिछले 10 साल में हीट स्ट्रोक ने 11,571 लोगों की जान ली है। पिछले 20 सालों में हीट स्ट्रोक ने बाढ़ और ठंड से अधिक लोगों की जान ली है। आंकड़ों से पता चलता है कि 20 साल में 20,615 लोग हीट स्ट्रोक से मारे गए। 1998 और 2017 के बीच दुनिया भर में कुल 1,66,000 से अधिक मौतें केवल हीट वेव के कारण हुई। लू के थपेड़े शरीर को झुलसाते हैं, तेज धूप शरीर की नमी को सोख लेती है। डिहाइड्रेशन सोचने और समझने की क्षमता को प्रभावित करता है। ऐसे में इंसानी शरीर कब और कहां तक टिका रह सकता है? गर्मी ज्यादा है गर्मी ज्यादा है। गर्मी तो बहुत ज्यादा है इस साल, हर साल के अपेक्षा से इस साल ज्यादा ही है। तो पानी पीने वाले जो लोग आ रहे हैं कि नहीं? नहीं आते हैं, पानी पीने वाले आते हैं, बताते हैं, वो लोग भी बताते हैं भाई बहुत गर्मी है इस साल। क्या करूं, बहुत गर्मी है, गुजारा कैसे, कमा खा रहा हूं और क्या करूं। बहुत ज्यादा परेशानी है, गर्मी बहुत है, धूप है, गर्मी से ज्यादा परेशानी है, लोग बहुत परेशान है गर्मी से। जी घबरा रहा है, काम धंधे नहीं हो रहे, धूप में निकलना दिल नहीं हो रहा। आज तो जो गर्मी दी है तो 33-34 के आसपास में चल रही है, तो लोग काम करने नहीं पा रहे हैं। लोगों का आवागमन कम है? कम है, लोगों का आगमन कम है। आप देख ले रास्ता में अभी कोई रोड में उतना नहीं निकल रहे। इस बार गर्मी ने तो जीना दुश्वार कर दिया है। सुबह में 11 बजे के बाद से जो गर्मी चालू हो रही है तो मैं समझता 5-7 बजे तक तो कुछ काम नहीं कर सकते। और इस कदर परेशानी है जिसकी हद नहीं, ना रक्षा मिलता ना कुछ ना, और कुछ भी नहीं, और टू व्हीलर लेके कहीं जा नहीं सकते। फर्क तो बहुत पड़ रहा है, देखो व्यवसाय के हिसाब से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। जितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है ना, तो दिन में तो इतना है नहीं कि पब्लिक बाहर निकल नहीं रही है। उसके बाद में सबसे बड़ी समस्या है कि सर यहाँ शास्त्री सर्किल पे कमर्शियल एरिया में लाइट जा रही है, जिससे हम दुकानदारों को बहुत घाटा हो रहा है। तो सरकार से निवेदन है, गहलोत सरकार से निवेदन है कि कमर्शियल एरिया में लाइट ना काटे कम से कम। 11 मार्च से शुरुआत हो गई थी हीट वेव कंडीशंस की, और अब तक 15 राज्यों को भारत में हीट वेव ने अपनी चपेट में लिया है। ये एक तरफ बड़ा सवाल होता है कि कितनी ज्यादा गर्मी, लेकिन इसके साथ ही कितने दिनों तक ये भीषण गर्मी चलती है वो भी तय करती है कि मौसम कितना हानिकारक साबित हो रहा है। आखिर मौसम विभाग को कैसे पता चलता है कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है, कितनी गर्मी पड़ेगी, कब बारिश होगी या कब तूफान आएगा? श्वेत पत्र में हम आपको एक दिलचस्प जानकारी देते हैं। 17वीं सदी में थर्मामीटर और बैरोमीटर का आविष्कार होने के बाद मौसम विभाग ने वैज्ञानिक तरीकों से वेदर फोरकास्ट शुरू की। 1636 में पहली बार ब्रिटिश वैज्ञानिक हेली ने भारतीय समर मानसून पर अपना शोध प्रकाशित किया। भारत के पास मौसम विभाग से जुड़ी दुनिया में सबसे पुरानी ऑब्जर्वेटरीज हैं। 1785 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता ऑब्जर्वेटरी बनाई, 1796 में मद्रास ऑब्जर्वेटरी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने 1804 में मौसम विज्ञान में शोध के काम को बढ़ावा दिया। 19वीं सदी के मध्य में भारत में कई मौसम ऑब्जर्वेटरी ने काम करना शुरू कर दिया। 1875 में भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना हुई। H.F. ब्लैनफोर्ड को अंग्रेजी शासन में भारत सरकार की तरफ से मौसम रिपोर्टर के तौर पर नियुक्त किया गया। सर जॉन एलियट को भारत की तमाम ऑब्जर्वेटरीज का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। मौसम विभाग का मुख्यालय पहले शिमला रखा गया, फिर पूना और आखिर में नई दिल्ली। 1875 से 2022 तक मौसम विभाग ने मौसम के पूर्वानुमान के लिए अपनी तकनीक में कई बदलाव किए। टेलीग्राफ के दौर में वेदर टेलीग्राम्स के जरिए डेटा इकट्ठा होता था और अलर्ट जारी किए जाते थे। देश में जब कंप्यूटर आए तो उनमें से पहले कुछ कंप्यूटर मौसम विभाग को ही दिए गए। भारत पहला प्रगतिशील देश था जिसके पास सबसे पहले अपना जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इनसैट आया। अब हम आपको बताते हैं कि किसी भी शहर के तापमान को कैसे मापा जाता है। मिनिमम और मैक्सिमम यानी न्यूनतम और अधिकतम तापमान को थर्मामीटर से नापते हैं। इसके लिए शहर में ऑब्जर्वेटरी होती है, मौसम विभाग, एयरफोर्स और प्राइवेट संस्थानों की।
यहाँ एक उपकरण होता है जिसको स्टीवेंसन स्क्रीन कहते हैं। इसे उत्तर दिशा की ओर मुख करके रखा जाता है, जिससे किरणें सीधे उसके अंदर नहीं पड़ पाती। स्टीवेंसन स्क्रीन को जमीन से 1.2 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाता है, ताकि सतह के तापमान का आंकड़ा उसमें ना आ जाए। इस स्टीवेंसन स्क्रीन में 4 थर्मामीटर लगे होते हैं, ड्राई बल्ब थर्मामीटर, वेट बल्ब थर्मामीटर, मिनिमम थर्मामीटर और मैक्सिमम थर्मामीटर। ड्राई बल्ब थर्मामीटर लगातार तापमान बताता है। इन चारों थर्मामीटर्स को वास्तविक तापमान वाले थर्मामीटर के साथ सेट किया जाता है और कई दिनों तक आंकड़ों की तुलना की जाती है। अगर उसमें कुछ गलती आ रही है तो उसे नोट कर लिया जाता है। ये सारे थर्मामीटर कैलिब्रेटेड होते हैं। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान शाम को 5:30 बजे नापा जाता है, क्योंकि तब तक तापमान अधिकतम पर पहुंच चुका होता है। थर्मामीटर में जो निशान होता है वो अधिकतम तक पहुंचने के बाद रुक जाता है। वहीं अगर न्यूनतम तापमान को देखें तो इसे 7:30 बजे नापा जाता है, क्योंकि सूरज उगने से कुछ देर पहले ही तापमान सबसे कम होता है। इसके लिए किसी भी शहर की एक विशेष ऑब्जर्वेटरी के तापमान को मानक माना जाता है। दिल्ली की ऑब्जर्वेटरी बेंचमार्क सफदरजंग में है। ऐसे ही हर शहर में एक विशेष ऑब्जर्वेटरी होती है, उसके तापमान को ही बेंचमार्क माना जाता है। जो हम देख रहे हैं दिल्ली में आज हीट वेव के कारण, हीट वेव तो देश भर में हो रही है, पर एक शहर में अगर अलग अलग इलाके में हम देखते हैं किस तरीके की हीट अलग से बन रही है, उसका कारण है जिसका हम कहते हैं हीट आइलैंड इफेक्ट। और इसका कारण होता है कि जो कंक्रीट बन रहा है, ग्लास बिल्डिंग्स बन रहे हैं, और जो एयर कंडीशनिंग की जो इस्तेमाल हो रही है, जिससे वेस्ट हीट निकल रहा है, इंडस्ट्री से भी वेस्ट हीट निकलता है, तो ये सब मिला के एक एक्स्ट्रा तापमान की सृष्टि होती है, जिसके कारण हम देखते हैं इस तरीके की जो चेंजेस और तब्दीलियां जो शहर में हो रही हैं। और इसके साथ साथ ये भी हमें ध्यान देना होगा कि अगर हम शहर में देखें कि कॉन्क्रिटाइजेशन के साथ जो हरियाली है, जो पौधे हैं, पेड़ हैं, प्लांटेशन एरियाज हैं, ग्रीन एरियाज हैं, वो भी जहाँ पर कम होगा वहाँ पर भी हीट आइलैंड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। यार सटीक तो अंग्रेजों के दौर में ही हो चुका था, जब कलकत्ता से ऑब्जर्वेटरी लगा दी गई थी 1975 से पहले ही, 1975 से ये ऑब्जर्वेशन लेनी शुरू कर दी थी। पर जब डाटा की जो रिकॉर्डिंग है, जो प्रॉपर रिकॉर्डिंग जिससे हम रेफरेंस करते हैं आज के टेम्परेचर का, ये जनरली 1901 से शुरू हुआ था। डाटा का स्टैंडर्डाइज 1901 से हुआ, ऑब्जर्वेटरी 1975 से बन गई थी, मतलब ऑब्जर्वेशन लेना शुरू कर दिया था उनको एक टेबुलर फॉर्म में दिखाने के लिए, वो 1901 से स्टैंडर्डाइज हुआ। जो निर्मित इलाके होते हैं जहां पर कंस्ट्रक्शन होता है, वहां पर आपको गर्मी का एहसास ज्यादा होगा। पेड़ों के पास जब आप पहुंचेंगे, एक तो छांव वहां पर रहती है और आपको थोड़ी सी ठंडक का एहसास ज्यादा होगा। ये पूरी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। बहरहाल सिर्फ इंसानी शरीर पर इसका प्रभाव नहीं होता है, बल्कि खेती किसानी में इसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है। इस बार गेहूं के फसल पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। समय से पहले गर्मी आ जाने और गर्म हवाओं के चलते किसानों में मायूसी है। पहले गर्मी के चलते गेहूं की पैदावार पर असर हुआ, अब हीट वेव ने गर्मी में उगाई जाने वाली फसलों को भी झुलसा दिया है। यूपी, हरियाणा, पंजाब में इसका ज्यादा असर देखने को मिला है। ग्रीष्मकालीन फसलें जैसे मूंग और उड़द बीज की चपेट में आ गई। यही नहीं, गर्मी का असर मौसमी सब्जी पर भी देखने को मिल रहा है। इस बार गर्मी इतनी भयंकर है कि किसान खेत में खेती भी नहीं कर पा रहे हैं, खेत में खड़े भी नहीं रह पा रहे हैं। इसके साथ साथ में इनकी जो ताजी फसलें होती है उनको भी नुकसान हो रहा है, और सरकार की तरफ से प्रॉपर वेयर हाउस की भी व्यवस्था नहीं है, और इसके साथ में उनके पशुओं को भी दिक्कत हो रही है, और सरकार की तरफ से कोई भी योजना नहीं है, और बिजली कटौती दबा के है। सिंचाई के लिए विशेष जो है कि वो है, खास करके फसल, हाँ फसल नहीं हो पा रहा है, सब्जियाँ वगैरह नहीं हो रही हैं, हरी सब्जियाँ जो जल जा रही हैं धूप से। राहत बीच में 2-3 दिन पहले मिली थी, 4 दिन पहले, लेकिन उसके बाद फिर बढ़ गई है। अब एक आध बार बारिश आंधी आ जाए तो थोड़ा और कम हो जाएगा, राहत थोड़ा फिर मिल जाएगा। ज़्यादा 3 दिन के बाद तो, इससे पहले तो उतना बिक्री था नहीं, ठंडा था, अभी 3 दिन से बढ़ा हुआ है गर्मी, थोड़ा बहुत चल रहा है। अब लोग आ रहे हैं, एक इसकी हाँ चल रहा है थोड़ा बहुत, पहले से अच्छा चल रहा।
कोलोराडो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने अपने शोध में ये पाया कि आने वाले वक्त में लू की समस्या बहुत बड़ी समस्या होगी। बीतते समय के साथ इसके और तीव्र होने की आशंका है। शोधकर्ताओं के अनुसार पहले जितना अनुमान लगाया गया था उसकी तुलना में दुनिया भर की फसलों को यह 10 गुना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। शोधकर्ताओं ने साल 1979 से 2016 के डेटा का विश्लेषण किया तो पाया कि जितना सोचा गया था लू से कृषि को उससे भी अधिक नुकसान पहुंचा। देखिए, उसको क्वांटिफाई करना तो अभी बहुत ज़्यादा संभव नहीं हुआ है, पर कुछ एरियाओं में उसको क्वांटिफाई करने की बात है तो उसका सीधा सीधा जो असर पड़ता है कि सभी सेक्टर में पड़ता है। मान लो तापमान बढ़ रहे हैं तो तापमान बढ़ने से क्या होता है कि खेतों में या एग्रीकल्चर फील्ड में इरीगेशन का ज़रूरत होता है, तो इरीगेशन अगर नहीं हो पाता है तो जो क्रॉप्स हैं उनका जो यील्ड है उसमें कमी आ जाती है और पानी देने की जो फ्रीक्वेंसी वो बढ़ जाती है। इसी तरह से जो ह्यूमन बीइंग्स है उसके लिए पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो कुल मिला के इसे इम्पैक्ट तो सब जगह पड़ता है, पर उसको क्वांटिफाई करना हर फील्ड के लिए अभी ये अंडर रिसर्च और चल रहा है। अगर एक एग्जाम्पल के लिए कहें तो अभी एक रिपोर्ट हम देख रहे थे जो एग्रीकल्चर के लिए कहें तो ये मार्च में गर्मी पड़ने से कई रिपोर्टें ऐसी आ रही हैं जिनसे 5 से 6% कुल उत्पादन में इसका इम्पैक्ट पड़ा है गेहूँ के। जब तक आपके पास कोई चीज होती है आप उसका मोल नहीं समझते, इसीलिए पीढ़ियों ने पानी को बर्बाद किया और अब पानी को बचाने की बातें होती हैं। नल बंद कर दो, उतना ही इस्तेमाल करो जितने की जरूरत है। कुछ इस तरह की बात हमारे पर्यावरण के हर एक कोण से जुड़ जाती है। एक बात जो पीढ़ियां भूल गई थी वो ये कि पृथ्वी एक ही है, एक ही जगह है जहां हम रह सकते हैं, लेकिन देखिए पिछले कुछ सालों ने किस तरीके से उस क्रूर सच को बयां किया है। आपको दिखाते हैं तापमान ने किस तरीके से अपने संकेत दिए हैं। ১৯০১ के बाद से भारत का 8वां सबसे गर्म साल था, लेकिन ये 2016 में पड़ी गर्मी के उच्चतम तापमान की तुलना में काफी कम था। 2001 से 2010 और 2011 से 2020 में 0.23 डिग्री सेल्सियस और 0.34 डिग्री सेल्सियस तापमान में बढ़ोतरी हुई। ये सबसे गर्म दशक के तौर पर दर्ज हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार मौसम के बदलते मिजाज के पीछे ग्लोबल वार्मिंग है। धरती का बढ़ता तापमान जितना मानव जाति के लिए चिंताजनक है उतना ही इसके जिम्मेदार भी इंसान ही है। कारखानों या घरेलू कामों के लिए इंसान पूरी तरीके से तेल, गैस, कोयले पर निर्भर है। इसके इस्तेमाल से जो ग्रीन हाउस गैस निकलती है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। इसका जलवायु पर प्रतिकूल असर पड़ता है। बढ़ती आबादी ने इसको और ज्यादा खतरनाक बना दिया है। जो क्लाइमेट चेंज होता है ये ग्लोबल फेनोमेना है। पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर राइज हो रहा है। ऐसे कुछ इलाके में शायद फॉल भी हो सकता है, मगर आप रिलेटिवली देखें जो राइज इन टेम्परेचर ज़्यादा पोलर रीजन यानी आर्कटिक रीजन, अंटार्कटिक रीजन में देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल रीजन में राइज इन टेम्परेचर कम है रिलेटिवली। वैज्ञानिकों के अनुसार धरती का तापमान लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। वातावरण में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 50% तक बढ़ चुका है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है। भारत कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का केवल 7.02% ही उत्सर्जन करता है। इस लिस्ट में पहले पायदान पर चीन है जो 30.64% कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करता है। दूसरे पायदान पर अमेरिका है जो 13.53% कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करता है। यानी चीन और अमेरिका के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को जोड़ दिया जाए तो यह 44.17% होता है। चीन और अमेरिका मिलकर दुनिया की आधी आबादी जितना कार्बन उत्सर्जन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो भारत का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर धरती को जलवायु परिवर्तन के बुरे परिणामों से बचा के रखना है तो ग्लोबल वार्मिंग को साल 2100 तक 1.5 डिग्री से ऊपर नहीं जाने देना है। भारत ने
इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों में बेहतर संतुलन स्थापित किया है। बड़े और विकसित देशों की तुलना में क्लाइमेट एक्शन को लेकर भारत के प्रयासों को देखकर आप सभी को निश्चित ही गर्व होगा। आज भारत बहुत तेजी के साथ 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। हम भारत को दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने के अभियान में भी जुट गए हैं। अध्यक्ष महोदय, हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को जवाब देना है कि जब फैसले लेने का समय था तब जिन पर विश्व को दिशा देने का दायित्व था वो क्या कर रहे थे। ग्लोबल वार्मिंग का सीधा असर होता है ग्लेशियर्स की बर्फ पर। उसका सबसे बुरा प्रभाव आर्कटिक क्षेत्र पर दिख रहा है। 2020 में आई जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि आने वाले दशकों में आर्कटिक क्षेत्र से बर्फ पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग अलग अलग महासागर के जल स्तर को बढ़ाने का सबसे अहम कारण है। इसी वजह से दुनिया भर के ग्लेशियर पिघल रहे हैं और पृथ्वी की ऊपरी सतह को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फ्रेंड्स, क्लाइमेट चेंज पर इस वैश्विक मंथन के बीच मैं भारत की ओर से इस चुनौती से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूं, पंचामृत की सौगात देना चाहता हूं। पहला, भारत 2030 तक अपनी नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। ये पंचामृत क्लाइमेट एक्शन में भारत का एक अभूतपूर्व योगदान होंगे। क्योंकि मार्च के महीने में हीट वेव जैसी जो कंडीशन थी तो इक्का दुक्का स्थान में साउथ वेस्ट राजस्थान या गुजरात में देखने को मिलती थी, परंतु इस बार जो मार्च में जो हीट वेव है वो साउथ हरियाणा, एक दो स्टेशन पंजाब, साउथ यूपी और राजस्थान के ज़्यादातर हिस्सों में इंक्लूडिंग दिल्ली में हीट वेव कई दिन रिपोर्ट की गई, तो ये काफ़ी सालों बाद इस तरह की गर्मी देखने को मिली है। ये जो डाटा है ये 1901 से शुरू करके 2020 120 ईयर्स डाटा है, इसमें दिखा दिया है। सिमिलर अप्रैल का डाटा आप देखें कि पूरी कंट्री का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 1901 से 2022 तक जो आंकड़ा है इसमें देखें तो ये थर्ड हाईएस्ट रहा है। इसका ये दोनों महीने में जो दिखाएगा, पहला वजह तो यही रहा कि जो हाई प्रेशर सेल का मैं एक्सप्लेन किया, दूसरा वजह ये रहा कि कोई एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ ऐसे देखने को नहीं मिला दोनों महीना में, सिर्फ एक जो आया था इन द मिडल ऑफ अप्रैल। जब ये एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है वो कोल्ड एयर ले आता है, इसके साथ साथ थंडरस्टॉर्म हो जाता है, सो टेम्परेचर थंडरस्टॉर्म की वजह से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है। सो इस बार ऐसे नहीं हुआ और ये हाई प्रेशर सेल जो है इसको काउंटर नहीं किया। कहते हैं जब गर्मी बहुत ज्यादा हो जाए तो अपने घरों के भीतर रहो, किसी छत को ढूंढो, किसी छाए को ढूंढो, पर हर व्यक्ति के नसीब में ये नहीं होता है। कई ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं जिनका निर्वाह घरों से निकलकर चिलचिलाती धूप का सामना करने के साथ ही हो सकता है। ऐसे में इंसानी शरीर पर कई कुप्रभाव पड़ सकते हैं।
प्रचंड गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए आखिर क्या किया जाए? भयंकर गर्मी से जूझते लोगों को अलग अलग बीमारियों का सामना करना पड़ता है। गर्मी का मौसम डायरिया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, हीट स्ट्रोक और वायरल फीवर जैसी बीमारियां लेकर आता है। डिहाइड्रेशन की शिकायतें आम होती हैं। छतरी लगाकर निकलें तथा हाथ में एक पानी की बोतल रखें, जिसमें कि आप नमक और थोड़ा चीनी मिला हुआ पानी रखें। इससे क्या होगा कि सॉल्ट आपको डिहाइड्रेशन नहीं होने देगा, जो आपको डिहाइड्रेशन की वजह से दिक्कत आती है उसको प्रिवेंट करेगा, तथा शुगर आपको एनर्जी देगी जिससे कि आप ज़्यादा समय तक एक्टिव रह सकते हैं। ये इसके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पानी का इस्तेमाल। पानी, जूस, टी, कॉफ़ी, सूप, इन सब का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये सनस्ट्रोक या हीट के कारण जो भी डिसीजेस हो सकती है उससे प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, खान पान में क्या रहना चाहिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक रहना चाहिए, शैडो में रहना चाहिए, काम अगर नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम नहीं है तो धूप में दोपहर को 1 से 3 बजे तक तो भी घर से बाहर ना रहना चाहिए। और जो पर्टिकुलरली जो लेबर लोग होते हैं जिनका फिजिकल ज़्यादा काम करना पड़ता है, उन लोगों ने इसमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इस गर्मी के मौसम में डॉक्टरों की सलाह के अनुसार कड़ी धूप में तब तक न निकलें जब तक बेहद जरूरी न हो। अगर लू लगने से बुखार या चक्कर आता है तो फौरन डॉक्टर को दिखाएं। बाहर का खाना न खाएं। अधिक से अधिक लिक्विड डाइट लें। रोज कम से कम 4 लीटर पानी आपके शरीर के लिए इस मौसम में जरूरी है। गर्मी में मिलने वाले फल जैसे तरबूज, खरबूज, खीरे का सेवन करें। गंदे हाथों, नाखूनों से डायरिया जैसी बीमारियां जकड़ लेती हैं, इसीलिए साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। बाहर जाएं तो धूप का चश्मा, टोपी और छाता साथ रखें। कहते हैं ना, करे कोई भरे कोई। तो जो विकसित देश हैं वहां पर इस तरह के कार्य होते रहे कि पर्यावरण पर ध्यान दिया ही नहीं गया, आज की तारीख में भुगत पूरी दुनिया रही है। लेकिन अब केवल ये किया जा सकता है कि इस भीषण गर्मी से सचेत रहने के उपाय हम कर लें।